व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी डांसिंग स्टार पावर्ड बाय क्रेजी ग्रुप, और मैं हूं आपका होस्ट तेजस पाटिल। सो गाइस, फाइनली वो दिन आ गया है और हम पहुंच चुके हैं हमारे ग्रैंड फिनाले में। तो सबसे पहले गाइस जान लेते हैं हमारे आज के रूल्स। सो गाइस, आज का जो हमारा विनर होगा उसको क्रेजी डांस एकेडमी और दीपिका मैम की तरफ से एक ट्रॉफी और एक साइकिल मिलेगी, और जो सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पर आएंगे उनको भी ट्रॉफी मिलेगी, और जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट हैं उनको क्रेजी डांस एकेडमी की तरफ से मिलेगा कंसोलेशन प्राइज। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम हर एपिसोड में एक नया रूल ऐड करते हैं, वैसे इस बार में हमने कुछ नया रूल ऐड किया है। हमारे पार्टिसिपेंट को डांसर्स और नॉन डांसर्स दोनों जज करेंगे। डांसर्स में हमने क्रेजी डांस एकेडमी से बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, और नॉन डांसर्स में से हमने इंडिया के अलग अलग साइड से, अलग अलग स्टेट से लोगों को सिलेक्ट किया है जिन्होंने इनको वोट किया है। सो गाइस, अभी मैं शिवा सर को बुलाना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस शो को बनाने के पीछे उनका क्या थॉट था। थैंक यू तेजस। तो ये शो स्टार्ट करने के पीछे मेरा थॉट था कि जैसे हमारा इस बार लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि जो हमारे एक्सट्रीम बैच के बच्चे हैं वो घर पे रह के काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएंगे और उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगी। मैंने सारे राउंड्स को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के हर बार अलग अलग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैंने देखा कि हर एक बच्चे ने, हर बार छोटे बच्चे हो या बड़े, हर बच्चे ने इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी के हिसाब से चीज़ें किया ना कि मैं टोटली अमेज था। और जैसे कि उस ही बीच में मेरे काफ़ी सारे नए गाने रिलीज़ हुए, तो बच्चे लोगों को लगे कि यार और डिफ़िकल्टी कैसे लाए, और डिफ़िकल्टी कैसे लाए, तो हम लोग ने नए गाने, जिससे कि उनको रेफरेंस नहीं मिले किसी भी चीज़ का, तो मैंने नए गाने उन लोगों को दिए कि भाई आप इन सब सॉन्ग्स में अपना परफॉर्मेंस करिए। और बच्चे लोगों ने इतने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस किए ना कि आप सब लोग ने भी देखा होगा कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स उन लोगों ने सोच के चीज़ों को परफॉर्म किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कभी हमने प्रॉप्स का उन लोगों को चैलेंज दिया, कई बार हम लोग ने एक दूसरे के टाइटल पे चैलेंज दिया। तो जो आज हम फाइनल्स पे आए हैं और जो तीन बच्चे फाइनल्स में हैं वो भी अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, और जो बच्चे नहीं फाइनल्स पे पहुँच पाए वो भी बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट से ज़्यादा यहाँ पे लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर गया है। और इंडिया की जनता ने यूट्यूब के थ्रू देखा और सबको पसंद किया, उस तरीके से हमारे पास तीन फाइनलिस्ट आ गए। और सेकंड सीज़न के लिए हम लोग ने यह प्लान किया कि सेकंड सीज़न को और ज़्यादा ग्रैंड करेंगे, और हम एक प्रॉपरली बड़े ऑडिटोरियम या थिएटर में उसका फाइनल परफॉर्मेंस देंगे। साथ ही साथ उसका प्राइस भी हम बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड करेंगे, और उस शो को बहुत ग्रैंड करेंगे, क्योंकि अगर कोई पैंडेमिक नहीं आया तो उसको हम लोग ऑफलाइन रखने का पूरा प्लान रख रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके कॉम्पिटिशन्स के टेक्निक्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने वाले हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं सीजन 2 में। चलिए गाइस, बुलाते हैं दीपिका मैम को और जानते हैं कि उनका इस शो के बारे में क्या थॉट है। हाय गाइस, क्रेजी डांसिंग स्टार का आज फिनाले है, और ये जो पूरी जर्नी थी सीजन 1 की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे याद है जब शिवा ने ये प्रपोजल रखा था कि क्रेजी डांसिंग स्टार एक ऐसा ऑनलाइन शो हम लाए जिसमें बच्चे अपने घर से वीडियो बना के भेजे और यूट्यूब के थ्रू व्यूज, लाइक, और उसके थ्रू जजमेंट हो, तो हमें लगा था पता नहीं ये कैसे हो पाएगा, बच्चे कितना कंफर्टेबल होंगे। लेकिन जैसे ही एपिसोड फर्स्ट और सेकंड आया, मुझे ये विश्वास हो गया था कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये पूरी बहुत अच्छा होने वाला है सीज़न 1। और आज हम लोग फिनाले में हैं, और जो हमारा फर्स्ट प्राइज है उसके लिए हमने साइकिल रखा है गिफ्ट, ताकि वो बहुत एक यूज़फुल है। और जो अब सीज़न 1 जैसे ही ख़त्म होगा, सेकेंड सीज़न हम करने वाले एक थिएटर में या फिर एक अच्छा ऑडिटोरियम बुक करके, क्योंकि सीज़न 1 का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, और हमारी कोशिश है कि थर्ड या फोर्थ सीज़न में हम लोग टीवी में टेलीकास्ट करें इस कंपटीशन को। और पूरा जो सीज़न 1 था उसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि उनको हर एपिसोड में कुछ एक अलग अलग टास्क मिलता था जो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर फिनाले, कौन जीतने वाला है, किसको आज ये साइकिल मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हम लोग सब लोग। इस शो को रियलिटी शो जैसा बनाने के लिए जनक और राहिल ने बहुत ज़्यादा अच्छे से एडिट किया है, जैसे जो हम ग्राफिकली जो भी आता था टीम ए वर्सेस टीम बी प्लस मार्क्स सब कुछ बहुत ज़्यादा रियलिटी शो में जैसा आता है वैसे रखने की कोशिश की थी। प्लस सबसे बड़ा क्रेडिट तेजस को भी जाता है, जब हम एंकरिंग देखते थे वो घर से करता था एंकरिंग, लेकिन जब भी हम देखते थे कोई भी एपिसोड आता था तो ऐसे लगता था जैसे हम लोग कोई रियलिटी शो देख रहे हैं टीवी में, और बहुत ज़्यादा अच्छा तेजस वो फील पकड़ता था, जिसकी वजह से एपिसोड फर्स्ट के बाद एपिसोड सेकेंड में हमको और कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा हो रहा है। और ऐसे करते करते कितने एपिसोड गए और आज फाइनल है। तो तेजस, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इस सीज़न में, उम्मीद है हम लोग सेकेंड सीजन में भी तेजस ही एंकरिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा काम था तेजस का। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अभी हम बुलाते हैं ऋषभ को और देखते हैं कि ऋषभ का इस शो के बारे में क्या कहना है। हाय ऋषभ। हेलो ब्रो।
सबसे पहले मैं थैंक बोलना चाहूँगा शिवा सर और दीपिका मैम को, उनका ये जो थॉट था शो को लेके, ऑनलाइन था, पेंडेमिक भी चल रहा था कहीं ना कहीं, बच्चों को नेगेटिव वाइब आ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, कुछ ना कुछ मिस हो रहा था कि जो हम ऑफलाइन में करते थे वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में नहीं कर पाते थे बच्चे, तो सर ने ये नया चैलेंज दिया। मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन और शो जज किए हैं लेकिन मेरे लिए ये शो काफ़ी यूनिक था जज करना, क्योंकि ये ऑनलाइन था, कहीं ना कहीं बच्चे लोग का वीडियो ऑनलाइन देख के मुझे जज करना था और मेरे सोच से भी बाहर वो लोग ने किया वो चीज़, मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ। और इसी के साथ मैं तेजस को थैंक्स बोलना चाहूँगा और मिलते हैं हम बहुत जल्द सीजन 2 में। यस, सो गाइस फाइनली वो वक्त आ गया है और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे तीनों फाइनलिस्ट को। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा सारा झा को। हाय सारा। मेरा क्रेजी डांसिंग स्टार का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन का पोर्शन था उसमें मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि वो वीडियो शूट करने थे हम लोग घर में खुद से और मदद करने के लिए भी ज़्यादा कोई था नहीं। लेकिन उसके बाद जब ट्रायो का हुआ मुझे मेरे दो टीममेट्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कोरियोग्राफी वाइज में, सॉन्ग सिलेक्शन में, कॉस्ट्यूम वगैरह में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मेरे जीतने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इन सब के बाद, क्योंकि जो इनसे सपोर्ट मिला है तो उनसे मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है और मुझे अब लग रहा है कि शायद मैं जीत सकती हूँ। थैंक यू सो मच सारा। थैंक यू। अभी मैं बोलना चाहूँगा नेक्स्ट फाइनलिस्ट को, श्रेया पल्लव। हाय श्रेया। हे गाइस, माई सेल्फ श्रेया एंड आज मैं अपने क्रेजी डांसिंग स्टार के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। मेरा एक्सपीरियंस लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ और एंड अभी ट्रायो पे हुआ। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन आर लाइफ। सो ट्रायो में मुझे दो पार्टनर्स मिले, मुझे लगा नहीं था कि वो लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब वो लोग के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट किया तब उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते वक्त की हर एक चीज़ मेरे को समझाई। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कनन और संचिता को कि मेरे को इतना सपोर्ट देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा को भी क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो बहुत शेयर किया। रिलेटिव्स को भी स्पेशली थैंक यू क्योंकि उन्होंने मेरा इतना वीडियो शेयर किया मेरे व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे थर्ड फाइनलिस्ट को, इशिता चित्रोड़ा। हाय इशिता। हाँ, मेरा क्रेजी डांसिंग स्टार का जर्नी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। हम लोग को जब शिवा सर टास्क देते थे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि कब नेक्स्ट आएगा, कब नेक्स्ट आएगा। तो लाइक मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि इशिता तू यहाँ पे जाके वीडियो ले, यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगेगा, तू कॉस्ट्यूम ये रख। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यार मीन्स लाइक सब लोग हेल्प कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रही है। और जो ट्रायो के लिए मेरे जो टीममेट्स हैं दिशी और शर्वरी, वो लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, लाइक मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। पर कभी कभार होता था कि टाइम मैच नहीं होता था, फिर भी हम ट्राई करते थे कि हम टाइम मैच करें और हम अच्छे से रिहर्सल्स कर पाए। तो बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड माई कॉम्पिटिटर्स। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अभी मैं बुलाना चाहूँगा ऋषभ सर और प्रिया मैम को और वो क्रेजी डांस अकेडमी की तरफ से सारे पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। हाय। सो गाइस, अभी सबसे पहले हम बुलाते हैं शर्वरी पेट कर रो। अभी बुलाते हैं सृष्टि यादव। अभी मैं बुलाना चाहूंगा आकृति मात्र। अभी मैं बुलाना चाहूंगा संचिता आदक। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा कैनन सोनी। अभी मैं बुलाना चाहूंगा जुई गोरे। सो गाइज, अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे तीनों फाइनलिस्ट को। सो गाइज, अभी हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया की जनता है उन्होंने इनको किस तरह से वोट किया है। आशुतोष से, मुझे श्रेया पल्लव का डांस बहुत अच्छा लगता है और मेरा वोट जाता है श्रेया पल्लव को। तो आशुतोष जी का वोट जाता है श्रेया पल्लव को। हेलो, मैं सर प्रियंका। तो अगर मैं शो की बात करूँ तो आई एक्चुअली लव एवरीवन जो भी वहाँ पे परफॉर्म करे, लाइक सबके सब अपनी तरफ से बेस्ट दिए हैं अपना। बट इफ आई टॉक अबाउट शो, मैं बहुत टाइम से शो को फॉलो करती हूँ। एक्चुअली मैं बिग फैन ऑफ द शो और ऑब्वियसली मेरे लिए डिफिकल्ट है किसी एक को सिलेक्ट करना है ना, लाइक इतना सारा कन्फ्यूजन कि एवरीवन सब लोग अपनी तरफ से इतना अच्छा कर रहे हैं, उनमें परफॉर्मेंस, उनके मूवमेंट्स, यू नो इट वॉज सो स्मूथ टू वॉच द होल शो। बट एट द एंड विनर शुड बी द वन, सो माई वोट गोज टू श्रेया पल्लव प्रियंका जी का वोट जाता है श्रेया पल्लव को। गुड इवनिंग गाइज, नमस्कार दोस्तों। आई एम सरोज पाटिल, मुंबई पुलिस में काम करती हूँ
और क्रेजी डांसिंग स्टार को स्टार्टिंग से फॉलो करते हूँ। मेरा वोट जाता है इशिता चित्रोड़ा को। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। सरोज जी का वोट जाता है इशिता चित्रोड़ा को। हाय गाइस, मेरा नाम कांचन पाटिल है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। इशिता का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरा वोट जाता है इशिता को। कंचन जी का वोट जाता है इशिता चित्रोड़ा को। मेरा नाम संतोष है, मुझे सारा झा का डांस अच्छा लगा है, मेरा वोट जाता है सारा झा को। तो संतोष जी का वोट जाता है सारा झा को। अभी हम देखेंगे क्रेजी डांस एकेडमी के बच्चों का वोट। माय नेम इज विद्दी फ्रॉम क्रेजी ग्रुप एंड आई हैव बीन फॉलोइंग क्रेजी डांसिंग स्टार फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। आई वुड लाइक टू वोट सारा झा, ऑल द बेस्ट। रिद्धि का वोट जाता है सारा झा को। हेलो एवरीवन, आई एम महक एंड क्रेजी डांसिंग स्टार इज अ शो इन व्हिच यू कैन शो योर टैलेंट इन डांस। आई लाइक द स्टाइल ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द फाइनलिस्ट। My vote goes to Sara Jahan. She danced very gracefully and expressively. The dance was also on the beats. All the best, Sara. Thank you. Mehak ka vote jata hai Sara Jahan ko. Danshi, I will be voting for Crazy Dancing Stars from Crazy Dance Studios. I love this show so much. It is a very good opportunity for dancers. My vote will go to Ishita. I love her style of dancing. Her expression was on the point and on the songs. Every beat was covered and the sync and the completion of the dance steps was so good. The props, the outfit was used as purposed and on point, I will say. And Ishita, keep going. You dance so great. I will always support you. हेलो, मैं हूँ शिवम और इशिता का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके लिए मैं इशिता को वोट दूंगा। शिवम का वोट जाता है इशिता को। सो गाइस, हमने अभी जितने भी वीडियोस देखे हैं डांसर्स और नॉन डांसर्स के, वो सारे वोट जो हमें मिले उसका सारा क्रेडिट जाता है प्रिया मैम को, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोगों के वीडियोस कलेक्ट किए करके हमें बताया है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन होगा आपका विनर? अरे हो सकता है। ओके, तो अभी मैं शिवा सर और दीपिका मैम को बुलाना चाहूँगा। सो अभी मैं सबसे पहली बात तो सेकंड पोजीशन पे जो आया है मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, और आप तीनों में से जो सेकंड है उसका नाम है श्रेया पल्लव। सो फाइनली गाइज, अभी हमारा विनर अनाउंस करने वाला है। तो सारा और इशिता, क्या आप रेडी हो? सर और मैम, आप रेडी हो? बिल्कुल। तो फर्स्ट प्राइज जाता है इशिता, आप रेडी हो ना? ओके ओके गाइज, तो आप दोनों में से फर्स्ट प्राइज जाता है सारा झा को। क्रेजी डांस एकेडमी और दीपिका मैम की तरफ से सारा झा को मिलती है एक साइकिल और गिफ्ट हैम्पर। सो थर्ड प्लेस पे है इशिता चित्रोड़ा। इशिता चित्रोड़ा को क्रेजी डांस एकेडमी की तरफ से एक ट्रॉफी और एक गिफ्ट हैम्पर मिलता है। एक गिफ्ट हैम्पर मैं तेजस को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि इतने महीनों से पूरे शो को तेजस ने होस्ट किया है, तो ये हमारी तरफ से मैं प्रिया को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे। मैं हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर प्रिया को भी देना चाहूंगी, क्योंकि एपिसोड 1 से आज फाइनल राउंड तक प्रिया ने बहुत मेहनत किया पूरे शो को ऑर्गेनाइज करना, पूरा मैनेज करना। मैं ऋषभ को बुलाना चाहूंगी एक गिफ्ट हैम्पर हमारी तरफ से, मैं ऋषभ को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ऋषभ जो कि रिवील नहीं था कि हमारा जज कौन है, लेकिन ऋषभ था, वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जज के लिए, इतने टैलेंटेड बच्चों को जज करना, कहीं उनकी तरफ से कोई गलती ना हो जाए। तो ऋषभ ने भी बहुत मेहनत की एपिसोड 1 से आज फाइनल राउंड तक,
और इस सीजन में तो हमारे जो जज है वो रिवील नहीं थे, लेकिन जो सीजन 2 आने वाला है तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं अभी से जज रिवील कर रही हूँ। उसमें एक जज होंगे ऋषभ। सो गाइज, सीजन 1 तो खत्म हो गया है, विनर भी हमें मिल गया है, लेकिन अभी बहुत ही जल्द हमारा सेकेंड सीजन आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।